था हमारा सीक्रेट। पागल है, पागल है। आप बैग्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, सो लेट्स गो विद मी। एंड कैन हैव 4 चीज बेगल विद एग एंड हैश। 4 चीज बेगल विद एग एंड हैश ब्राउन। गाइस उठ के नाश्ता करके थोड़ा सा सफर स्टार्ट हुआ और मुझे नींद आ गई, तो मैंने अच्छी एक घंटे की एक नैप ली है और अभी मैं उठ गई हूँ। थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लग गई है और वो जो आपको साइड पे दिख रही है फ्रोजन लेक है। एंड अभी आपको मैं फ्रेश फ्रेश दिखूंगी क्योंकि मैंने ले लिया अच्छा नैप। सो गाइस ऑटवा को क्रॉस करते हुए हम लोग जा रहे हैं क्यूबेक और वहाँ पे एंटर करेंगे क्यूबेक। हम लोग एंटर करेंगे क्यूबेक एंड देन वी विल गो टू मॉन्ट्रेमलैंड। ये था हमारा सीक्रेट जो हम लोग आपको बताना नहीं चाहते थे, बट मैंने आपको रिवील कर दिया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, बट स्टिल अंदर तो बहुत ज़्यादा हीटिंग है और स्टिल हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको डाउनटाउन का व्यू दिखाती हूँ और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और आगे फर्दर आपको चीज़ें दिखाती चलूँगी। लोग स्नो का वेदर अवॉइड करते हैं बट हम तो पागल हैं, पागल हैं। और हम लोगों को तो हर वेदर में इंजॉय करना होता है, वो चाहे स्नो हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हर हाल में हम लोग खुश रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो अभी इसी वेदर में इंजॉय करते हैं क्योंकि वेकेशन इसी वेदर में है। सो वी आर गोइंग टू मॉन्ट्रेमलैंड, नॉट मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल हम जाएंगे मॉन्ट्रेमलैंड के बाद। तो अगर मैं बार बार मॉन्ट्रियल बोल दूँ तो आप उस पर टू मत करना, आप समझ जाना कि हम मॉन्ट्रेमलैंड ही पहले जा रहे हैं। एंड गाइस सुबह सुबह हम उठे थे 5 बजे, हम 5 बजे के हम लोग उठे हुए हैं और बज चुके हैं अब 8:48। और सुबह जब हम निकले थे तो वेदर था -21, अभी चल रहा है -17 विच इज़ सो कोल्ड। बट अंदर इतनी गर्मी है कि मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो चुका है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ आप लोगों को अपडेट देती रहूं क्योंकि मैं रास्ते में सो गई थी, थोड़ी सी मेरी एनर्जी है जो डाउन हो गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी एक्टिव होती हूं तो आप लोगों से बातें करती हूं, आप लोगों को बताती हूं कि हम लोगों का सफ़र किस तरह का गुजर रहा है और हम लोग क्या कुछ इंजॉय करने वाले हैं। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम लोग ऑटवा में एक स्टॉप लेंगे, वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बट अभी भूख नहीं लगी है क्योंकि हम लोग सुबह जो है वो टिमिस खा के निकले थे, तो सेकेंड स्टॉप करने का दिल नहीं किया। तो अभी हम कंटिन्यू अपना सफ़र रख रहे हैं। और कितने बजे तक पहुंचेंगे? रफली अराउंड 11। ओके, तो 11, 8:49 हो रहे हैं, अराउंड 11 हम लोग पहुंचेंगे और फिर वहां पे आपको सब दिखाने वाली हूँ, क्या कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, क्या कुछ वहां पे फ़न हो रहा है और हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करने चैनल को। देखो आ गया मॉल दोस्त। और हम लोग जा रहे हैं आज मॉन्ट्रेमलैंड और लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि हमें रश शायद कम ही मिले आज क्योंकि हम लोग लैंड किए हैं और वो डिपार्चर पे हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग मॉन्ट्रेमलैंड पहुंच चुके हैं और हम लोग अपने होटल के बाहर हैं और देखते हैं कि अगर हमें अर्ली चेक इन मिल जाएगी तो पहले हम लोग चेक इन कर लेंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर हम लोग जाएंगे उस पॉइंट पे जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे जाएंगे। बट अभी देखते हैं कि हमें अर्ली चेक इन मिलती है, अदरवाइज़ हमें 4:00 आना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ थोड़ा फ्रेश होके जाएं क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं और वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है और थोड़े फ्रेश होना है। मे बी अगर अंदर चले गए तो भी मैं चेंज भी कर लूँगी और आप लोगों को छोटा सा टूर भी करा दूँगी। ये है हमारा रूम, ये स्टाइल मैंने करना था ऐसे कर्टन्स हटा के, बट ऑलरेडी किसी और ने ये स्टाइल कर लिया है। बहुत ही प्यारा सूट है। और ये हाँ यहाँ पे सिटिंग एरिया है, वो डाइनिंग एरिया है, ये किचन है। एंड यू नो व्हाट इज़ दिस, कैन यू शो टू देम व्हाट इज़ दिस? इट्स अ बेड।
कैन यू बिलीव, ऐसा होना चाहिए घर में. ओके, अगर तो आपके साथ ज़्यादा और लोग हैं दो, तो वो भी यहाँ पे लाइक 4 पीपल कैन स्टे हेयर इन दिस रूम. तो ये एक्स्ट्रा बेड है जो कैसे बंद हो जाता है, इसको लॉक कर देना, खुल ना जाए. ओके, तो ये किचन है एंड ये है हमारा बेडरूम विच इज़ क्वाइट नाइस. इतनी लाइट है. ओके, ये है बेडरूम एंड हेयर वॉशरूम. थर्मल लाइट का सिस्टम देखो कहाँ है, शुड बी हेयर. या सो ये है एक वॉशरूम और एक बाहर है, और ये छोटू सा टीवी है एंड डाइनिंग एरिया. हम अपना डिनर साथ ही लेके आएंगे. और एक वॉशरूम ये है. सो टू वॉशरूम्स हैं एंड इट्स नाइस, आई रियली लाइक. आए थे रेस्ट छोटा सा, पर मुझे तो लग रहा है दिल कर रहा है कि अब इधर ही रह लें, बाहर घूमने कल चले जाएंगे, बट नहीं, हमें जाना है बाहर भी. एंड दे हैव फायरप्लेस और यहाँ पे भी टीवी है जो लिविंग एरिया में. तो मैं कुछ ले आते हैं, यहाँ पे स्टोव भी है, आप कुकिंग भी कर सकते हो अगर बहुत दिल हो ना तो. यू नो वी कैन बाय बोनलेस चिकन, नमक मिर्च और हम कुछ बना सकते हैं. दे हैव दिस टोस्टर, यू नो पानी की बोतल रखी थी उस बैग में. देखो इनके पास फुल प्लेट्स, ग्लास, सब कुछ है. चेक दिस आउट, तो मतलब यू कैन कुक हियर. बहुत वो स्मेल जो आ रही थी ना, वो यही आ रही थी. कप्स हैं, वो खोल के दिखा दो उसमें क्या है. हाँ देखो पॉट्स भी हैं. इनके वो पड़ा हुआ है, अगर आपका कोई ट्रेला बनाने में दिन तो दादी ने ये फ्रेश करके बना. पॉट्स हैं एंड हियर दे हैव फ्रिज जो कि खाली है. डिश वॉशर, चेक दिस टाइनी डिश वॉशर. यहाँ पे वो, ये भी खोल के दिखाती हूँ. पूरी कटलरी है यहाँ पे. Oh my God. Guys, here I have something जो कि मैं रास्ते में खोलना चाहती थी, बट रास्ते में हम लोगों को मौका नहीं मिला खोलने का, क्योंकि मेरा कैमरा कहीं पे सेट नहीं हो रहा था. तो मैंने सोचा कि सबसे पहले होटल जाके मैं सबसे पहले इस पैकेज को ओपन करूँगी, और ये पैकेज वो है जो कि मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट मिला. आई होप यू गाइज नो कि ये मेरा बर्थडे वीक चल रहा है, और ये मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं. ये बहुत बड़ा सरप्राइज जो मुझे मिला है, 4-5 days का स्टे है हमारा क्यूबेक में, और हमने और भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना है. ये हमारा जो ईयर है 2023, इसका फर्स्ट ट्रिप है, तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी. तो मैंने बोला कि ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ, इसकी अनबॉक्सिंग, जो कि मुझे कुछ प्रेजेंट मिला है सुबह घर से निकलते वक्त. तो ये मेरा बर्थडे प्रेजेंट है. सो लेट्स सी कि क्या इसमें है. मैंने सोचा था कि मैं तैयार होके फिर इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, बट मुझसे लिटरली वेट नहीं हो रहा, मैं इसको अभी ही खोलने लगी हूँ. वाओ, इट्स अ पिंक कलर का स्वेटर है एंड इट्स गुड कि मैंने अभी खोली. अगर मुझे यही पहन के बाहर जाना पड़ा तो मैं ये पहन लूँगी. एंड दिस प्रेजेंट इज फ्रॉम माई सिस्टर साइड और इट्स क्यूट, आई कैन वेयर दिस. अच्छा, ये जो मैंने पहना है मिकी वाला, ये भी मुझे उसी ने दिया था सुबह में, और मुझे आइडिया नहीं था, बट ये भी बहुत क्यूट है. ये देखो, इट्स रियली नाइस. अच्छा, वो इसलिए मुझे बोल रही थी कि रास्ते में खोल लेना, कि अगर तुझे शायद चेंज करना हो, ये चाह रही होगी वो. एंड हियर वी हैव समथिंग मोर. वाओ, सो क्यूट. मैंने कभी भी नहीं ये पहनी है. लाइक इट्स अ हैट और कैप, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, बट मैंने पहले नहीं कभी पहनी है, बट आई विल ट्राई दिस. हाँ, मैंने काजल को पहने देखी थी. इट्स क्यूट. फोटोज में अच्छी लगेगी, पहनूंगी. नाइस, थैंक यू. If you are watching my vlog, thank you so much. मुझे पिंक स्वेटर और ये बहुत अच्छी लगी है. Now I have something else.
माई बर्थडे इज ऑन 19th, बट ये पूरा वीक हम लोग बाहर सेलिब्रेट करने वाले हैं मेरा बर्थडे, क्योंकि अमर ने मुझे कहा था कि मैं तुझे बाहर लेके जाऊंगा, तुझे मैं सरप्राइज दूंगा। तो ये वाला जो भी हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं ये भी एक सरप्राइज है। आगे हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं वो सब मेरा प्रेजेंट है। नाउ टाइम टू ओपन दिस। ये तो मुझे नाइकी का साइन दिख गया है, तो मुझे जूते ही लग रहे हैं। और कुछ नहीं। ओके, एनी गेस इसमें क्या होगा, ये तो मैंने बता ही दिया क्या होगा। इट्स नॉट इजी टू ओपन। ओह माय गॉड, मैंने सोचा था मैं अग्स लूंगी, बट ये अग्स तो नहीं है, ये शायद नाइकी के ही कोई है, आई डोंट नो, बट या आई विल वेयर दिस नाउ। ये देखो शूज, नाइस, थैंक यू, आई रियली लाइक दिस, थैंक्स अ लॉट। अब मैं तैयार होंगी, तो ये मेरे प्रेजेंट्स हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मैं तैयार होंगी और मैं देखूंगी मैं ये पहनने वाली हूँ या मैं कुछ और पहनने वाली हूँ। और मैंने जो नेल्स करवाए हैं उसमें भी पिंक कलर, तो मे बी आई वेयर दिस, कल पहनूंगी ये एक्चुअली। अभी हमारे पास काफ़ी दिन है यहाँ पे रुकने के, और बहुत ज़्यादा कपड़े भी मैं लेके आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं, तो आज मैं वही पहनूंगी जो मैं अपने लेके आई हूँ कपड़े, एंड मे बी टुमारो आई विल वेयर दिस। तो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग। और फिर अब हम जा रहे हैं माउंट ट्रेमलैंड, तो वहाँ का मैं एक लेदर व्लॉग डालूंगी, तो वो आप फिर नेक्स्ट वीडियो में देखना। गाइस, हियर आई हैव माय मेकअप पाउच, और मैं थोड़ा सा फ्रेश होने लगी हूँ इससे पहले कि हम लोग बाहर जाएँ। हम लोगों ने लंच करना है और फिर हमने घूमना है, तो बहुत ज़्यादा थक भी चुके हैं और बहुत ज़्यादा भूख भी लग चुकी है, तो लेट मी गेट रेडी जल्दी से और फिर हम लोग जाएँगे बाहर। ओके, तो मैं ना फ्रेश अप कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि हम लोगों को जाना है बाहर, जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, तो जल्दी जल्दी से मैं अपना मेकअप फ्रेश कर रही हूँ। सो आई एम यूजिंग हेयर हुदा ब्यूटी, मुझे प्रोडक्ट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हो कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में, अनबॉक्सिंग में, हर जगह पर आपने देखी हुई हैं। मैंने कुछ चीज़ें रख ली हैं और कुछ चीज़ें मेरी इस बैग में ही हैं, और अब हम लोग मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने बस अपना टॉप चेंज करना है ना, वी आर रेडी टू गो। मिलते हैं आपसे माउंट ट्रेमलैंड पे, बाय। हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो हम लोगों को A&W आना पड़ा, और यहाँ से हमने लिया है लेमनेड, और हम डिनर करने वाले हैं यहीं से। इट्स सो बिग, कैन आई हैव स्ट्रॉ, ओ इट्स देयर, हमारा मेन। यम्मी, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हम दो तीन जगहों पे गए हैं, बट क्या हुआ है कि हमें खाना मिला नहीं है, बट फाइनली वी फाइंड समथिंग गुड। हम लोग खाने लगे हैं अपना डिनर, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, बाय। सुबह मैं आपको दिखाना भूल गई थी, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी से अंदर चले गए थे, तो ये वो होटल है जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया है। Here we are. It's really big. और इधर से स्टेयर्स भी जाती हैं, अंदर लिफ्ट भी है।
और ये रिसेप्शन एरिया है, रश ज़्यादा ना हुआ तो। ये बार, इट्स अ बार बट अभी क्लोज हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है। सामने भी देखते हैं उनका बिलियर्ड वाला। इट्स अ कॉफ़ी बार और यहाँ पे आप बैठ सकते हो, सिटिंग एरिया है, गेम्स हैं खेलने के लिए और ऑप्शंस हैं रूम्स के। और पहले मैं जाऊँगी, विल गो टू आर रूम। ओके